बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देवियों सज्जनों, दीपावली का त्यौहार पास आ चुका है। घरों में, दफ्तरों में सफाई अभियान जोरों शोरों से शुरू हो चुका है, लेकिन कितना ही अच्छा हो जब हम इस दीपावली अपने घर के साथ साथ मन की भी सफाई कर डालें और उन विचारों को दिल से निकाल दें जिनका अब हमारे जीवन में कोई महत्व ना हो। कितना अच्छा हो जब हम अपनी यादों के उस आईने को पोंछ डालें जिन यादों के कारण जिंदगी धुंधली दिखाई देने लगी थी। कितना अच्छा हो जब हम घर की रंगाई पुताई के साथ साथ अपनी उस सोच में भी नए रंग भर दें जो हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने से रोक रहे थे। कितना ही अच्छा हो जब हम पकवानों में चाशनी का रस घोलने के साथ साथ अपने दिलों में भी प्यार का रस घोलने की कोशिश करें, ताकि मिठास सिर्फ पकवानों में ही नहीं, रिश्तों में भी घुल सके। त्योहारों के इस मौसम में हम जिससे भी मिलें, बस यही कोशिश हमारी रहनी चाहिए कि दिल से दिल की मुलाकात हो, इंसान की इंसान से मुलाकात हो और इंसानियत की इंसानियत से मुलाकात हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवियों सज्जनों, इस पूरे हफ्ते कौन बनेगा करोड़पति के इस मंच पर त्योहार की रौनक जो है वो रहेगी, और साथ ही साथ यहाँ पर वो उम्मीदें भी रोशन होंगी जो इस हफ्ते के नए खिलाड़ियों के साथ जुड़ी हैं। तो आइए उन खिलाड़ियों का स्वागत और परिचय किया जाए। हमारे साथ 10 नए खिलाड़ी योगी हैं। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं नागपुर महाराष्ट्र से। स्वागत कीजिए हमारे इस हफ्ते के पहले खिलाड़ी का। तालियां बजती रहें देवियों सज्जनों। एक असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका नाम है डॉक्टर सुशील कुमार मतीजा। इसके बाद आते हैं अहमदाबाद गुजरात और मिलते हैं अपनी अगली खिलाड़ी से। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की सुपरवाइजर चांदनी मोदी। अब बढ़ते हैं श्योपुर मध्य प्रदेश की तरफ और स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के वन स्टॉप सेंटर सखी, ये वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर हैं आदिति सिंह। समय है मिलना एक और खिलाड़ी से, ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में एक स्टूडेंट हैं आकाश गर्ग। हमारी अगली खिलाड़ी आती है मोहाली पंजाब से, जो कि एक एडवोकेट हैं और इनका नाम है जगजीत कौर। ये देखिए, पंजाब से आते हैं दिल्ली की ओर और मिलते हैं एक और स्टूडेंट से जिनका नाम है पूजा झा। अब बढ़ते हैं देहरादून उत्तराखंड की दिशा में और मिलते हैं उत्तराखंड पुलिस में एक कांस्टेबल सुमित कड़ियाल। हमारी अगली खिलाड़ी लखनऊ उत्तर प्रदेश से आती, ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं निधि सिंह। इसके बाद मिलते हैं अगले खिलाड़ी से खड़गपुर वेस्ट बंगाल में, इंडियन रेलवेज में ट्रेन ऑपरेटर कुमार राजन। और अंत में स्वागत कीजिए रायपुर छत्तीसगढ़ से एक एंटरप्रेन्योर जिनका नाम है रूबी मेहता। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत किया जाए। तो देवियों सज्जनों, अब हम इनके साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन वाक्यांशों या कि फ्रेजेस को इनमें से आने वाली संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज दीज फ्रेजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स मेंशन्ड इन देम। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए सात जन, बी दो अनमोल रतन, सी 14वीं का चांद, डी 11 रुपए का शगुन। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी दो अनमोल रतन 2, फिर आता है ए सात जन्म 7, फिर आता है डी 11 रुपए का शगुन 11 और अंत में सी 14वीं का चांद 14। BADC। और इसी तरह जिन जो लोगों ने सही उत्तर दिया है इसी क्रम में ये रहे उनके नाम। कुछ को छोड़ के सभी ने सही उत्तर दिया। सबसे तेज जवाब किसका है? सुमित कड़ियाल। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हमारा आप चलते हैं वहां और ये जरा संभालिएगा। अरे ये मत कीजिए। दिवाली के पावन अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सुमित जी, हैप्पी दिवाली। और तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं, जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। देवी सज्जनों, मेरे सामने इस हफ्ते के पहले खिलाड़ी के रूप में आ गए हैं उत्तराखंड पुलिस देहरादून में एक कांस्टेबल सुमित कड़ियाल जी। बहुत बहुत स्वागत आपका सुमित जी, और बहुत बहुत बधाई। तो सुमित जी, हमारे पास एक आपके ऊपर बनाया हुआ एक वीडियो है, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उसे देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज। मेरा नाम सुमित कड़ियाल, मैं देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। प्रेजेंटली मैं पुलिस डिपार्टमेंट में एज अ कांस्टेबल पोस्टेड हूँ, और जिस विंग में मैं तैनात हूँ वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता। मेरे परिवार में मेरी वाइफ और मेरी बेटी है। पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी 24/7 रहती है। हम RSP बने, ठीक है, और RSP तो हमें त्यौहार व्यवहारों में भी अपना देश राज्य की सेवा में ड्यूटी में लगे रहना पड़ता है, तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम अपना नहीं दे पाते अपनी फैमिली को। पुलिस डिपार्टमेंट का मेरे फैमिली का काफ़ी पुराना नाता रहा है। दादाजी मेरे इंग्लिश टाइम से इंग्लिश पीरियड में ही भर्ती हो गया था एज अ कांस्टेबल, और लास्ट में इंस्पेक्टर पद में रिटायर हुए हैं। पिताजी मेरे डायरेक्ट SI भर्ती हुए थे और इंस्पेक्टर पद से रिटायर हुए, और मैं एज अ कांस्टेबल भर्ती हुआ हूँ। 12th में मेरा सपना पायलट बनने का था, लेकिन थोड़ा यारी दोस्ती में बुरी संगति में मैं फंसने के कारण मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया। आफ्टर दैट जब पुलिस का एग्ज़ाम आया तो मेरे पिताजी ने मेरे को राह दिखाई कि जा बेटा, बेरोजगारों की भीड़ देख के आओ कि दुनिया में कितने बेरोजगार हैं, आटे चावल का तुम्हें भाव पता चलेगा। तो मैं गया, भर्ती की लाइन में खड़ा हुआ, और देन आई गॉट सिलेक्टेड इन पुलिस डिपार्टमेंट में। मैं कौन बनेगा करोड़पति में आना चाहता हूं, क्योंकि अपनी बेटी श्रीदा तरियाल के लिए एक बहुत बढ़िया फ्यूचर का मैंने सपना है, तो ये सब मेरा कौन बनेगा करोड़पति ये सारे सपने पूरे कर सकता है। बहुत बहुत बधाई आपको सुमित जी। दो तीन चीजें हमने देखी इसमें, एक तो ये कि आपका सपना था कि आप पायलट बने और फिर पायलट ना बन पाए, आप पुलिस फोर्स में चले गए, और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो पुलिस फोर्स से संबंध रखती है। बहुत गर्व की बात होती है। कैसा लगा आपको जब आपने तय किया कि आपको पुलिस फोर्स में जाना है? सबसे पहले साहब पिताजी ने बहुत गाइडेंस करा जी। स्कूल टाइम में थोड़ी हवा सी भी लग गई थी सर। किस तरह की हवा? स्कूल बंक वंक थोड़ा हवा लग गया था। देहरादून की हवा बहुत अच्छी मानी जाती है सर। जी जी जी, थोड़ी हवा लग गई थी। फिर पिताजी ने काफ़ी गाइडेंस करा, रास्ता दिखाया, पिताजी के बताए हुए रास्ते में चल रहा हूँ। आगे भी उन्हीं की तरह मैं इंस्पेक्टर पद से रिटायर होना चाह रहा हूँ सर जी। पिताजी की एक बात हमें बहुत अच्छी लगी सर, जाओ और बेरोजगारों की भीड़ देख के आओ सर, मिलो उनसे और फिर पता चलेगा तुम्हें जीवन क्या है सर। मैं आपके पिताजी यहाँ आए हुए हैं, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। आपकी माताजी भी आई हुई हैं जी, उनको भी स्वागत, और आपकी पत्नी जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। तो ये भाई साहब, आपने कहा कि बेरोजगार की भीड़ देख कर आओ, बहुत भारी शब्द है ये सर, अर्थ बताइए हमें, क्योंकि हम भी उससे कुछ सीखना चाहेंगे सर। 35 साल पुलिस विभाग की मैंने सेवा करी है, इस बीच पूरा एक्सपीरियंस रहा है कि कितनी बेरोजगारी है और उससे कैसे हमारे नौजवान जूझते हैं जी। तो इसलिए हमने इसको ये शिक्षा दी कि और कांस्टेबल कोई पद छोटा नहीं होता है, आपकी मेहनत रहेगी तो आप निरंतर तो इसमें जो भी प्रगति करेंगे। तो यही हमने इसको शिक्षा दी थी और इस पे इन्हें आगे काम किया, तो हमें बड़ी खुशी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देवसंग पिताजी ने बहुत ही सुंदर बात बताई कि जाओ, जा करके बेरोजगारी के भीड़ से मिलो और देखो कि क्या होता है, दुनिया देखो, तब पता चलेगा कि मेहनत का फल जो है वही आगे ले जा सकता है आपको। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका भाई साहब, जो आपने ये एक बहुत ही सुंदर बात बताई। सुमित जी सर, अब जो खेल के नियम हैं उनका मैं आपको परिचय दे दूं। सबसे पहले यहाँ पर एक पहाड़ खड़ा हो जाता है, 15 प्रश्नों का पहाड़ है, 1000 रुपये से उसकी शुरुआत होती है, फिर आता है 2, फिर 3, फिर 5, और बढ़ते बढ़ते जाते हैं हम 1 करोड़ रुपए के सवाल पर, जो कि 15वां सवाल है। यहाँ पहुँचने के लिए 2 पड़ाव पड़ते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए का। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो चोटी का प्रश्न है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका द्वार खुल जाता है। आपकी सुविधा के लिए यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर ना दे पाए तो लाइफलाइन रखी हुई है, ये देखिए 4 लाइफलाइन आ गई हैं यहाँ। पहली लाइफलाइन ऑडियंस स्पोर्ट, 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन और आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। और हम आपको बता दें कि आज हमारे एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं राहुल देव जी। पत्रकारिता में अपना योगदान देने के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है इन्हें। और राहुल देव जी आज हमारे साथ यहाँ पर है। तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद राहुल देव। तो मैं सबको दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, दिवाली मुबारक कहना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि सबकी अंतर ज्योति आज प्रज्वलित हो और वो जीवन भर उनके जीवन को आलोकित करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर शब्द कहे आपने राहुल देव जी। तो इन्हीं की बातों के साथ मिलजुल के हम खेल को अब आगे बढ़ाएंगे। ये पूरे खेल के दौरान हमारे साथ रहेंगे। देव सजनों, इस पूरे हफ्ते हमारे मंच पर भी त्यौहार का माहौल जो है वो बना रहेगा, इसलिए दीपावली के शुभ अवसर पर हम अपने जितने भी प्रतियोगी यहाँ हॉट सीट पर आएंगे उनको शगुन के रूप में एक भेंट देना चाहेंगे। स्वीकार कीजिए सुमित जी शगुन का सिक्का। तालियां बज जाए इनके लिए। ये शगुन का सिक्का है, ये हमारी ओर से और पीटीसी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ आपको एक और भेंट है और वो है स्मार्टफोन। दिवाली की खुशियों की तरफ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजती रहें इनके लिए। इस स्मार्टफोन से आप दिवाली की जो खुशियां मनाते हैं उसे आप अपने इस फोन पे कैप्चर कर सकें, यही आशा से हम आपको एक नई भेंट दे रहे हैं। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। सुमित जी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू वेरी मच सर। खेल शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए इसका मूल्य है और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या भारत में डाक विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में से एक नहीं है? Which of these is not a service offered by India Post? A. Speed Post. B. Registered Post. C. Book Post. D. Block Post. Sir, please log D. Block Post. D. Block Post पर ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप सही हैं, 1000 रुपए जीत गए आप। ब्लॉक पोस्ट जो है वो इंटरनेट से संबंधित एक सुविधा है और बहुत से लोग उसके ऊपर प्रतिदिन ब्लॉग लिखते हैं फिर उसको पोस्ट करते हैं। और मान्यवर मैं भी लिखता हूँ रोज। बिल्कुल सर। और बड़ा आनंद आता है, बहुत से लोग आते हैं उसके ऊपर। हमको मालूम नहीं था ये क्या होता है, तो किसी ने कहा सर अपना वेबसाइट शुरू कर दीजिए। हमने कहा बहुत टाइम लगेगा उसमें। हमने पूछा क्या चल सकता है, उन्होंने कहा सर ये ब्लॉग लिख सकते हैं आप। तो हमने ऐसे ही 2 लाइन लिख करके उसको पोस्ट कर दिया। वहाँ से कुछ उत्तर आ गया 1-2 का कि बधाई हो, स्वागत हो। तो हमने उनको एक नाम दे दिया, उपनाम दे दिया EF, एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड EF। उन्होंने कहा कि हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है सर। और उसके बाद फिर हम प्रतिदिन लिखते जा रहे हैं। 4251 दिन हो गए हैं मेरे ब्लॉग पोस्ट के। बहुत बढ़िया। 4251 days। बड़ा आनंद आता है। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। ये है दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा सुमित जी। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला एक धारावाहिक डैश के हसीन सपने किसके सपनों के बारे में था? Whose dreams were picturized in the दूरदर्शन सीरियल डैश के हसीन सपने? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए रामलाल, बी साबू, सी शेख चिल्ली या डी मुंगेरी लाल। सर प्लीज लॉक डी, मुंगेरी लाल। श्योर है ताला लगाने लायक? सर डी ताला लगाया जाए मुंगेरी लाल पे। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, 2000 जीत लिया आपने। अब बढ़ते हैं आगे। सर ये आ रहा है तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए इसका मूल और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। ओला या उबर पर गाड़ी बुक करने के लिए आप आमतौर पर अपने स्मार्टफोन का इनमें से कौन सा फंक्शन चालू करेंगे? Which of these smartphone functions would you be most likely to enable to book a ride on Ola or Uber? A. Flight mode, B. Location, C. Screen rotation lock या D. Battery saver. Sir please lock B. Location. ताला लगा दें सर। फाइनल उत्तर? बिल्कुल सर, B. Location पे ताला लगाइए। आप बिल्कुल सही हैं, 3000 रुपए जीते आपने। ओके भाई साहब, आप पुलिस फोर्स में काम कर रहे हैं सर। मुझे मालूम है कि यहाँ आदत बन जाती है सर सर बोलने की, लेकिन यहाँ आप मुझे सर मत बोलिए। पूरी दुनिया के सर आप अमित सर हैं। नहीं नहीं सर, मैं तो बिल्कुल मैं बोला हूँ आपको सर, क्योंकि आप देश की रक्षा करते हैं, रक्षक हैं आप हम सबके, तो हमारे लिए ठीक है कि आपको सर बुलाएं, लेकिन आप हमें सर बुलाएं ये ठीक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न 5,000 रुपये के लिए आपके सामने आने वाला है। चौथा प्रश्न सुमित जी आपके सामने ये रहा। 2019 की कौन सी हिंदी फिल्म की कहानी दिल्ली में हुई एक पुलिस मुठभेड़ पर आधारित है? विच 2019 हिंदी फिल्म इज ए फिक्शनलाइज्ड अकाउंट ऑफ अ पुलिस एनकाउंटर दैट टुक प्लेस इन दिल्ली? अ पुलिस एनकाउंटर। ए मिशन मंगल, बी रोमियो अकबर वॉल्टर, सी बाटला हाउस या डी इंडियाज मोस्ट वांटेड? प्लीज लॉक सी बाटला हाउस। श्योर है फाइनल उत्तर आपका सर? बाटला हाउस सी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी सही जवाब दिया है आपने, बहुत खूब। 5,000 रुपए जीत लिया आपने। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए। सुमित जी पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। रामायण में राजा दशरथ के किन दो पुत्रों का जन्म एक ही माता से हुआ था? इन द रामायण विच टू सन्स of King Dashrath were born of the same mother? A. Lakshman and Shatrughan, B. Ram and Lakshman, C. Bharat aur Shatrughan ya D. Bharat and Lakshman? Sir, please log A. Lakshman and Shatrughan. Lakshman and Shatrughan फाइनल उत्तर आपका सर? एक को ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी देखें ये सही है या नहीं? बिल्कुल सही जवाब है आपका। वाह क्या बात है, 10,000 रुपए जीत गए। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है आपने। सुमित्रा लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता थी, राम की माता थी कौशल्या और भरत कैकेयी। हो भाई साहब, आप ये जो कंप्यूटर महाशय है ना सर, जब प्रश्न आता है बहुत नजदीक चले जाते हैं जी और ढूंढते हैं कि कहाँ होगा इसका उत्तर। ये आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ से आपको उत्तर मिल जाएगा या आप अपने मस्तिष्क से निकाल रहे हैं? मस्तिष्क से सर निकालने की कोशिश। वाह क्या बात है। ऑलराइट सुमित जी बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। और आपका ब्याह हो गया है सर, और ऐसा हमको पता चला है कि बहुत ही दिलचस्प परिस्थितियों में आपका विवाह हुआ। बिल्कुल सर। उसके बारे में यदि आप बात करना चाहें, क्योंकि जो भी बात करेंगे वो सार्वजनिक हो जाएगी। अनुमति मिल चुकी है सर? मिल चुकी है सर। तो बात कर दीजिए आप फिर। एक्चुअली हुआ कैसा, हम सोशल मीडिया के थ्रू मिले और मुझको लगता है इनके फैमिली अलाउ नहीं करती हमारी लव मैरिज, तो हमने लव को अरेंज में कन्वर्ट करके फिर ब्याह रचाया है अपनी मैडम के साथ हमने। अच्छा, ये कैसे कन्वर्ट किया आपने? ये कन्वर्ट इससे हुआ, मैंने अपनी जन्मपत्री पहले मैडम को दी। मैडम ने, योगा इंस्ट्रक्टर है मैडम, उन्होंने बोला कि किसी परिचित ने यह जन्मपत्री दी है तो इसे मिला लीजिए, और भगवान के सहयोग से सर जन्मपत्री मिली और हमारा ब्याह हुआ। क्या बात है, ये हमारे जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं बहुत ध्यान से सुना कि नहीं आपने? आगे चलकर ये बहुत काम आने वाला है। यदि कहीं पर संबंध बनाना हो और परिवार वाले जो हैं वो इनकार कर रहे हों तो चुपचाप से फेसबुक पे जाइए, फ्रेंड बनाइए और जो आपकी कुंडली है वो भेज दीजिए और देवी जी को बोलिएगा कि कहीं से ये आया है, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से आया है या कहाँ से, जहाँ से उनका लगन होने वाला है वो। और इसी तरह जो है जब मिल जाती है तो ब्याह हो जाता है। सर किसी भी कहानी से ये अलग नहीं है, है ना सर? बहुत अच्छी कहानी है जी। और हमने बता दिया तरीका सबको कि इसी तरह से आप करके आपका संबंध बन सकता है। कभी किसी बात पर इसकी वजह से कोई झगड़ा गड़ा हुआ हो? अभी तक तो नहीं सर, झगड़ा वगड़ा तो नहीं। थोड़ा बहुत तो झगड़ा हर जगह होता ही है सर। हाँ सर, बर्तन होंगे तो बजेंगे सर। विवाह को बर्तन की श्रेणी में डाल दिया है। देवी जी प्रणाम करता हूं आपको, और जो भी झगड़ा वगड़ा जो भी ये कह रहे हैं उनको माफ कर दीजिएगा। माफी सर हमें मांगनी पड़ती है। हाँ ये बिल्कुल सही कहा आपने, गलती हो या ना हो, गलती हो या ना हो माफी हमें पुरुष को ही मांगनी पड़ती है। हम बिल्कुल 100% सहमत हैं इससे, और जितने भी पुरुष बैठे हैं सब बिल्कुल सहमत होंगे, है कि नहीं? हाथ उठ गया सबका। चलिए, और मान्यवर ऐसा है देवी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप भी इन्हें घर पे सर बुलाती हैं, क्या बुलाती हैं? नहीं नहीं, नाम से बुलाती हैं। नाम से बुलाती हैं, चलिए अच्छा है। बहुत सी अलग अलग प्रथाएं हैं। अरे कुछ कहेंगे इन्हें हमने बुलाया वो आए नहीं, और आप होंगे अरे सुनती हो नाम नहीं लेंगे। सुनती हो के नाम से सेव है सर इनका नंबर। तो सुनती हो के नाम से है जी सर, यानी पहले से ही आपने तय कर लिया था कि बस ब्याह करना है यहाँ पर। सर भाई साहब आप बहुत यूनिक हैं, अद्भुत हैं आप। बहुत सी बातें सीखने को, नहीं नहीं सीखने को मिल रही बहुत सी बातें। हमारी तो उम्र निकल चुकी है इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन पूरी दुनिया सीख रही है सर आपसे। आगे जितने भी विवाहित होने वाले लोग हैं उनको हम बताना चाहते हैं, पूरी दुनिया सर आपसे सीख रही है। आप जैसा सदी का महानायक आदर्श व्यक्ति। अरे सर ऐसा नहीं है, लेकिन मान्यवर ये तो बहुत अच्छी राय दी आपने। हम अपने फोन पे पत्नी का जो इनिशियल है ना JB वो लिखते हैं, आज रात से ही बदल देंगे, सुनती हो कर देंगे उसको। मेरा सौभाग्य होगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, क्या बात है। ऑलराइट, 5 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दे दिया है। अब आ रहा है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए इसका मूल्य है। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत का इनमें से कौन सा प्रशासनिक जिला बाकी विकल्पों में सबसे अधिक पूर्व में स्थित है? Which of these administrative districts of India is located farthest east? ऑप्शंस देखिए, ए वेस्ट गोदावरी, बी नॉर्थ गोवा, सी वेस्ट त्रिपुरा, डी ईस्ट सिक्किम। सर लाइफलाइन लूंगा। शांत हो जाए घड़ी मान जी, एक लाइफलाइन लेंगे सुमित जी। चारों लाइफलाइन जीवित हैं। ऑडियंस पोल करेंगे, ओके ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए, 15 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है। आप सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, क्या करेंगे सर? जनता के ऑडियंस जाएंगे, बताइए क्या किया जाए? लॉक करा जाए सर सी को। सर वेस्ट त्रिपुरा, सी ताला लगाया जाए। बहुत नजदीकी मामला था। सही उत्तर है आपका, वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बार और घूम जाइए पत्नी की तरफ। थैंक यू, क्योंकि पत्नी ने सही उत्तर दिया था। तालियां बज जाए आपके लिए, वाह क्या बात है। पश्चिमी त्रिपुरा भारत के उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा का एक जिला है, और ये बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने। बहुत बहुत धन्यवाद जनता को देते हुए। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 40,000। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुमित जी इस गायक को पहचानिए। अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी, आइडेंटिफाई द वोकलिस्ट। ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, ए सोनू निगम, बी मीका सिंह, सी हिमेश रेशमिया, या डी दलेर मेहंदी। सर प्लीज लॉक बी मीका सिंह। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने सर। ताला लगा दे सर, बी पे ताला लगाइए, मीका सिंह बिल्कुल सही जवाब है आपका, वेल प्लेड। गाने का शीर्षक है सावन में लग गई आग, गायक और लिरिक्स म्यूजिक कंपोजर मीका सिंह। ऑलराइट सुमित जी आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आठवां प्रश्न। 80,000 रुपये इसका मूल्य है। आठवां प्रश्न 80,000 रुपये के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन कैडेट्स का संबंध जिस संगठन से है उसका आदर्श वाक्य क्या है? ओके, व्हाट इज द मोटो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू विच दीज कैडेट्स बिलोंग? ये एक आपको हम एक छवि दिखाएंगे, तो छवि देखने के बाद आपके सामने विकल्प रखेंगे, फिर आपको बताना होगा। कैन वी सी द इमेज प्लीज? सर अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं मैं। 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए, ध्यान रहे। ए, ऑमनीप्रेजेंट ऑमनीपोटेंट सिक्योरिटी, बी, सर्विस एंड लॉयल्टी, सी, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, डी, सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, बी, सेवा और निष्ठा, सी, एकता और अनुशासन, डी, स्वपूर्व सेवा। सर प्लीज लॉक सी, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। सर ताला लगाने दे। यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन, सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। कैसे पता चला ये कौन से कैडेट्स हैं? एनसीसी कैडेट्स सर। ये एनसीसी के हैं और इनका जो मोटो है वो आदर्श आपको पता था सर? कैसे पता चला आपको? ये परेड में आते हैं सर, ये परेड में आते हैं सर। आपकी परेड में पुलिस फोर्स में 26 जैन 15 अगस्त सम्मिलित होते हैं। आप थे एनसीसी में? मैं नहीं रहा सर। आप नहीं थे। सही जवाब दिया है आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर 12 अक्टूबर 1980 को एनसीसी की 12वीं सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी की बैठक में एकता और अनुशासन को एनसीसी के आदर्श वाक्य के रूप में चुना गया था। एकता, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। नवा प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए और वो आपके स्क्रीन के ऊपर सुमित जी ये रहा। किस भारतीय कारोबारी परिवार ने दुनिया में साइकिल की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी हीरो साइकिल की स्थापना की थी? विच इंडियन बिजनेस फैमिली फाउंडेड हीरो साइकिल्स, द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ साइकिल्स इन द वर्ल्ड? ऑप्शन सुनिए। ए, गोइंका, बी, नंदा, सी, थापर, डी, मुंजाल। बहुत ही ऐतिहासिक प्रबल परिवार है। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास अभी भी लाइफलाइन है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सर आई विल यूज द लाइफलाइन 50-50। शांत हो जाए गणेश जी, एक लाइफलाइन और लेंगे सुमित जी। 3 लाइफलाइन बची हैं आपकी। 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन या आस्क द एक्सपर्ट। अगर आप कहीं कंफ्यूजन हो दो में तो बताइए, तो आप 50-50 इस्तेमाल कर सकते हैं। सर 50-50। ऑलराइट कमिश्नर महाशय, सुमित जी अपनी 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए और जो 2 गलत विकल्प हैं उन्हें मिटा दीजिए, हटा दीजिए स्क्रीन से। बचे हैं सी, थापड़, डी, मुंजाल और 20 सेकंड बचे हैं। शांत हो जाए गणेश जी, तय नहीं कर पा रहे हैं। नहीं सर, फ्लिप द क्वेश्चन। एक और लेंगे लाइफलाइन, फ्लिप द क्वेश्चन। ऑलराइट कमिश्नर महाशय, सुमित जी इस प्रश्न को उत्तर नहीं जानते इसका, इसे एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं। फ्लिप द क्वेश्चन, इसे अंकित किया जाए। किसी एक को गेस कीजिए, हमें दर्शकों को बताना पड़ेगा सही उत्तर क्या है। आपने कहा सी थापड़। कमीना महाशय सी थापड़ पे ताला लगाइए, देखें ये सही होता है नहीं। यही ये गलत होता भाई साहब। मुंजाल बहुत ही प्रबल एक बिजनेस फैमिली है ये। हीरो ग्रुप 1956 में शुरू हुआ था, जब मुंजाल भाइयों दयानंद, सत्यानंद, ब्रिज मोहन लाल और ओपी मुंजाल ने हीरो साइकिल्स लिमिटेड की स्थापना की थी। और अब विश्व भर में इस सबसे ज्यादा साइकिल जो है इन्हीं की कंपनी से बनती है। ऑलराइट, तो आपने कहा था कि इसे फ्लिप कर दिया जाए, इसे हम हटा देंगे, लेकिन हमारे पास एक सूची है 11 विषयों की। आपने एक विषय को चुना और वो विषय क्या था? स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्पोर्ट्स एंड गेम के आधार पर कमीना महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और स्पोर्ट्स एंड गेम्स के आधार पर अगला प्रश्न सुमित कड़ियाल के लिए के सामने पेश किया जाए। दो 2019 यूईफा चैंपियंस लीग ट्रॉफी किस फुटबॉल टीम ने जीती है? Which football team has won the 2019 UEFA Champions League trophy? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. FC बार्सिलोना, B. रियल मैड्रिड, C. टॉटनहम हॉटस्पर या D. लिवरपूल। सर प्लीज लॉक D लिवरपूल। श्योर है सर? ताला लगा दिया जाए। लिवरपूल D, ताला लगाइए, देखें सही है नहीं। फुटबॉल देखते हैं आप सर? कोई एक टीम जो आपकी फेवरेट टीम हो? रियल मैड्रिड सर। रियल मैड्रिड, लेकिन वो जीती नहीं सर। आप कह रहे हैं लिवरपूल सर। सही जवाब दिया है आपने, बहुत खूब। 1,60,000 रुपए जीत गया। लिवरपूल ने टॉटनहम हॉटस्पर को फाइनल में 2-0 से पराजित किया और यूएफा चैंपियंस लीग पर उन्होंने कब्जा किया। बहुत खूब, वेल प्लेड सुमित जी। फुटबॉल के प्रेमी हम भी हैं, हमारे परिवार में हमारे पुत्र भी प्रेमी हैं और हम लोग चेल्सी को सपोर्ट करते हैं, चेल्सी टीम प्रीमियर लीग में। ओके, आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पर। खेल का दूसरा पड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण। 3 लाइफलाइन चली गई हैं सर, चिंता मत कीजिए, कई लोग यहां से भी आगे बढ़ जाते हैं। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से कौन से नेता कभी भी केंद्रीय मंत्री नहीं रहे हैं? Which of these leaders has never been a union minister? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने: ए. शशि थरूर, बी. अभिषेक मनु सिंघवी, सी. जयराम रमेश, डी. गुलाम नबी आजाद। So please log B, अभिषेक मनु सांघवी। अभिषेक मनु सिंघवी जी, ताला लगा दिया जाए। कमीना महाशय, अभिषेक मनु सिंघवी B, ताला लगाया जाए। काफी सोच समझ कर आपने जवाब दिया। बाकी लोगों के बारे में सूचना है आपके पास? पढ़ा है सर कहीं, ये नहीं रहे हैं अभिषेक मनु सांघवी। ये बड़े मुश्किल प्रश्न है भाई साहब। सर आप हैं पुलिस फोर्स में, इतनी जानकारी कैसे रखते हैं आप? वीवीआईपीओ का सर प्रोग्राम फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, कभी आते हैं हमारे राज्य में तो उनका प्रोग्राम सैनिटाइज करना पड़ता है सर। ओके, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको, 3,20,000 रुपए जीत गए। तालियां बजती रहे देवियों सर इनके लिए। एक चेक आ रहा है इनके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको सुमित, बहुत सुंदर उत्तर देते जा रहे हैं। 3,20,000 रुपए सुमित जी, तालियां बजती रहे देवियों सर इनके लिए। बहुत ही मुश्किल प्रश्नों का उत्तर देते जा रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भी हैं। मिनिस्ट्री इनको कभी नहीं। ओके, अब आपने जीत लिया है 3,20,000 रुपए। घड़ी मान जी शांत हो जाएंगे, समय समय आपके पास। हमारे जो चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ का, उसका द्वार खुल गया है और आपके पास बची है केवल एक लाइफलाइन। चिंता मत कीजिए सुमित जी, आप बहुत सुंदर तरीके से खेलते आ रहे हैं। 11वां प्रश्न अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बैडमिंटन का थॉमस कप अगर पुरुषों की प्रतिस्पर्धा है तो महिलाओं की प्रतिस्पर्धा को किस नाम से जाना जाता है? इफ मैन प्ले फॉर द थॉमस कप इन बैडमिंटन विच इवेंट डू वुमेन कम्पीट इन? ऑप्शन सुनिए। ए सोलहाइम कप, बी फेड कप, सी उबर कप, डी डेविस कप। एक लाइफलाइन अभी भी है आज तक एक्सपर्ट सर, प्लीज लॉक डी डेविस कप। श्योर है सर? श्योर होना चाहिए। श्योर है सर। सही उत्तर आपको देंगे 640, गलत आपको वहीं रखेंगे। एक लाइफलाइन है आपके पास, 3 आपकी चली गई है। बैडमिंटन का थॉमस कप अगर पुरुषों की प्रतिस्पर्धा है तो महिलाओं की प्रतिस्पर्धा को किस नाम से जाना जाता है? सोलहम कप, फेड कप, उबर कप और डेविस कप। क्या करना चाहेंगे? डेविस कप। फाइनल उत्तर आपका कैबिनेट महाशय डी डेविस कप पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही है या नहीं। मान्यवर क्यों कहा आपने डेविस कप? लगा सर, फर्स्ट इंस्टिंक्ट आया डेविस कप, थॉमस एंड डेविस कप। भाई साहब ये उत्तर सही नहीं है, सही उत्तर है यूबर कप। प्रति 2 वर्षों में आयोजित होने वाला पुरुषों का थॉमस कप और महिलाओं का उबर कप या यूबर कप साथ साथ खेली जाने वाली बैडमिंटन प्रतिस्पर्धाएं हैं। इन प्रमुख विश्व चैंपियनशिप्स में खिलाड़ी व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि अपने देश की टीम के रूप में भाग लेते हैं। इसमें 3 एकल मैच और 2 युगल मैच खेले जाते हैं बैडमिंटन में। डेविस कप जो है वो टेनिस में होता है, लॉन टेनिस में। डेविस कप सही नहीं है। सुमित जी आप 3,20,000 रुपए जीत रहे थे। दुख इस बात का है कि आपके पास एक बची हुई लाइफलाइन थी, उसका इस्तेमाल कर सकते थे आप। कोई बात नहीं, बधाई हम आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ इनका अभिनंदन। और ये जो आपने 3,20,000 रुपए जीते हैं ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे, आपके अकाउंट में चला जाएगा। ये यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर ना बजा दिया है। 3,20,000 रुपए 1, 2, 3 मतलब किया, कंफर्म किया और ये 3,20,000 रुपए आपके अकाउंट में सीधे पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई आपको। और एक फोटो खींचेंगे, आपकी पत्नी अगर आ जाए यहाँ पर हमारे साथ फोटो खींचने के लिए। तालियां बजती रहें देवी और सज्जनों इनके लिए। सुमित कड़ियाल जी देहरादून उत्तराखंड से आए, 3,20,000 रुपए जीत कर गए। और अब समय है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स, आप भी और इधर भी। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2011 की जनगणना के आधार पर इन राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुसार घटते क्रम में लगाएं, यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य को सबसे पहले रखें। समझ गए? According to the 2011 census, arrange the following states in descending order of their population. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर। ए गोवा, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है सी उत्तर प्रदेश, लगभग 20 करोड़। फिर आता है बी तमिलनाडु, अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़। फिर आता है डी हरियाणा, लगभग 2.5 करोड़, 2.5 करोड़। और अंत में है ए गोवा, लगभग 14.5 लाख। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, गोवा, ये है सही क्रम सी बी डी ए। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। इन सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किसका है? आकाश गर्ग बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। कम बिग हैंड फॉर आकाश गर्ग। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत शुभ दिन है और आपके लिए भी शुभ हो गया। और ऐसा हमको लगता है कि जितनी जनता यहाँ बैठी है बहुत स्नेह प्यार करती है आपके साथ। बहुत जोर से ताली बजाई आपने जब ये जीत गए। बहुत बहुत बधाई आपको आकाश। तो देवेंद्र संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से एक स्टूडेंट जिनका नाम है आकाश गर्ग। आकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी सर। शिक्षा कहाँ प्राप्त कर रहे हैं आप? सर मैं अभी 4th ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में है? हाँ जी सर। एक वीडियो हम देख लेते हैं आपके ऊपर, फिर आपके साथ और बहुत से प्रश्न हम करना चाहेंगे। एक वीडियो है इनके ऊपर, कंप्यूटर महाशय उसे दिखाया जाए। मेरा नाम आकाश है और मैं मुजफ्फरनगर यूपी से हूँ और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स 4th ईयर स्टूडेंट हूँ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में। हॉस्टल में रहना और घर पे रहना बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिकॉज घर पे मम्मी कर देती हैं काम, यहाँ पे सब काम अपने आप करने पड़ते हैं, सफाई, कपड़े धोना, और ऊपर से यहाँ पे ये है कि कोई बाउंडेशन नहीं है, कभी किसी टाइम आओ जाओ, लेट नाइट मूवी देखना, लेट नाइट पार्टी करना, ये हॉस्टल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है मेरे लिए। चल भाई मैगी बन गई, ले भाई ले। मसाला तो तूने डाला ही नहीं यार। अबे यार भूल गया। एक तरह से बिल्कुल नई फ्रीडम ही है। आई ऐसे थोड़ी होता है यार, मैं बर्तन नहीं दूंगा। पढ़ाई के अलावा मेरे को मूवीज देखना बहुत पसंद है, वेब सीरीज का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। इसके अलावा मैं कभी कभी थोड़ी बहुत बुक्स पढ़नी, मेरे को पॉलिटी का थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो मैं लीगल ड्रामास या फिर लीगल बुक्स ट्राई करता हूँ कि पढ़ पाऊँ। उसके अलावा कभी दिवाली पे किसी के रूम के नीचे क्रैकर लगा दिया या फिर किसी का रूम बाहर से लॉक करके चले गए, कभी कभी ऐसे प्रैंक्स चलते रहते हैं हॉस्टल में, प्रीटी मच कॉमन। एक ईयर में मैक्सिमम 8 या 9 मंथ्स तो यहीं गुजारता हूँ, घर 1 महीने के लिए भी जाना नहीं होता कभी भी। सो हॉस्टल इज प्रीटी मच माई सेकेंड होम। जो भी पैसे मैं KBC से जीतूंगा उसमें तो मैंने यही सोचा है कि मैं अपनी ड्रीम्स परस्यू करूंगा, जैसे आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS, तो मैं उसके लिए 2-3 साल अगर देने भी पड़े तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं दे पाऊँ, घर की तरफ से कोई प्रेशर ना हो। आकाश हाँ जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। पहले बताइए कि आपके साथ कौन कौन आया है कंपेनियन के रूप में? सर मेरी मम्मी आई है जी, मेरी कज़न आई है और एक फ्रेंड आया है। माता जी आपको प्रणाम करता हूँ, आपके फ्रेंड को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत आपका, तालियां बज जाए उनके लिए। ओके आकाश भाई साहब, हाँ जी सर, आप चंडीगढ़ में पढ़ रहे हैं? हाँ जी। और हॉस्टल में रहते हैं? हाँ जी। कैसा है वहाँ का जीवन? सर बहुत अच्छा लगता है अब तो हॉस्टल। अच्छा लगता है ना? हाँ हाँ, हमको भी बहुत अच्छा लगता था हॉस्टल का जीवन। और भाई साहब ये केवल संयोग है कि हम भी चंडीगढ़ में एक हॉस्टल में पढ़े हैं। क्या हुआ कि हम जब कॉलेज में भर्ती होने गए तो यहाँ दिल्ली में यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में हमको भर्ती नहीं मिली, तो कुछ हमारे मित्रगण थे परिवार के, उन्होंने कहा चंडीगढ़ में आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़ में हमको वहाँ एडमिशन मिल गया। और फिर हम दिल्ली से चंडीगढ़ गए और हॉस्टल में थे। ये जो आपका हॉस्टल का कमरा था ना, हमको बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे हमारा था वहाँ पर। हम वहाँ 20-25 दिन थे और फिर अचानक हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, तो हम वहाँ से छोड़ के चले आए। कौन से सेक्टर में थे सर आप? अभी सेक्टर हम भूल गए, लेकिन चंडीगढ़ बहुत खूबसूरत जगह। हाँ जी सर। और साइकिल पे हमने देखा, हम साइकिल अपने ले गए थे क्योंकि हमारे पास और कुछ था नहीं। हाँ जी सर। तो दिल्ली से साइकिल कैसे ले जाएँ, और ट्रेन में ले जा नहीं सकते थे क्योंकि पैसा लगता था, बस में ले जा नहीं सकते थे, तो हमारे जो मित्र हमारे साथ उनको भी दाखिला मिला था, उन्होंने कहा यार साइकिल करके जाते हैं चंडीगढ़। तो हम लोग साइकिल करके दिल्ली से चंडीगढ़ गए। इतना कष्टदेह नहीं था, हम बताएं क्यों, क्योंकि हम गए बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पर जो बस जा रही थी चंडीगढ़, उसके पीछे जाके खड़े हो गए और जब जैसे ही सड़क पे गया उसको पकड़ लिया और साइकिल के साथ चलते चले जा रहे। लेकिन जल्दी तो पहुंच गए थे, लेकिन बहुत खतरनाक होता है, जितने भी लोग देख रहे हो ऐसा कभी कीजिएगा मत, बहुत खतरनाक होता है। लेकिन पहुंच गए थे हम लोग चंडीगढ़। और भाई साहब उस ज़माने में, मैं बात कर रहा हूँ 58-59 की, उस समय ये जो सोडा होता है ना, उसको पीने की बड़ी चाह होती थी। शायद 4 आने में या शायद 8 आने में मिलता था, उतना पैसा होता नहीं था हमारे पास। तो किसी को ऐसे पटापट कर बोलते यार थोड़ा सा पिला दो। हमने चंडीगढ़ में देखा पहली दफ़ा बहुत बड़ा एक ऐसा यंत्र बना हुआ था, उसके अंदर बर्फीला एकदम कोला मिलता था, वो पीना अभी भी याद है मुझको। बहुत अच्छा समय हमने बिताया। और जो कुछ आप कर रहे हैं ना हॉस्टल में, वो सब हम भी करते थे। तो आपने कहा था कि आप IAS में ज्वाइन होना चाह रहे हैं। हाँ जी सर। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं? सर ये मैंने पैशन अपना फर्स्ट या सेकंड ईयर में सोचा कि मैं सिविल्स की तरफ जाना चाहूँगा। मतलब ऐसा था सर, 12th करने के बाद ये नहीं पता था कि इंटरेस्ट किस तरफ है। वो इंजीनियरिंग में आके एक्सप्लोर किया, देखा, तो मेरे को लगा कि मैं सिविल्स की तरफ जा सकता हूँ। ओह अच्छा, यानी अपनी काबिलियत पर आपको इतना भरोसा था। हाँ जी सर, कि आप IAS में आप जा सके। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। उम्मीद करते हैं कि आप IAS में ज्वाइन करें। हॉस्टल की ज़िंदगी जो है बड़ी अनुभव उसका जो होता है बड़ा अद्भुत होता है। और भाई साहब एक व्यक्तिगत प्रश्न है, ये आपके हॉस्टल से गर्ल्स हॉस्टल कितनी दूर था? इस वाले हॉस्टल से तो सर 2 हॉस्टल छोड़ गया, मतलब थोड़ा सा 2 हॉस्टल छोड़ गया। आना जाना होता था सर? सर हमारा ना जैसे कॉलेज से आते हैं तो एक टी पॉइंट बनता है, तो बॉयज़ इधर गर्ल्स इधर, ऐसा था। हाँ, अच्छा जैसे क्लास खत्म हुआ एक इधर एक इधर। हाँ नहीं, फिर इधर उधर के बाद फिर क्या करेगा? हाँ जी नहीं, फिर हॉस्टल चले गया सर। ठीक है, ज्यादा नहीं पूछेंगे हम आपसे। एक और सूचना है हमारे दिव्य सज्जनों, इस पूरे हफ्ते हमारे मंच पर भी त्योहार का माहौल जो है वो बना रहेगा, इसलिए दीपावली के शुभ अवसर पर हम अपने खिलाड़ियों को शगुन के रूप में एक भेंट देना चाहते हैं। स्वीकार किया जाएगा जी हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट, ये है एक शगुन का सिक्का। थैंक यू सर। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। आकाश भाई साहब तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक हिंदी मुहावरे के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बहुत घबरा जाता है तो उसके इनमें से क्या उड़ जाते हैं? अकॉर्डिंग टू अ हिंदी सेइंग, इफ समवन इज वेरी फ्राइटन्ड, व्हिच ऑफ दीज डू वी से हैज फ्लोन अवे? ए उल्लू, बी तोते, सी कौवे, डी कबूतर। सर बी तोते। बी तोते? यस सर। लगा दे? हाँ जी सर। तोते बी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब दिया, 1000 रुपए जीत गए। ईश्वर ना करे कि आप के तोते कभी उड़े। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर, 2000 रुपए आकाश भाई साहब ये रहा। धनतेरस, नरक चतुर्दशी और लक्ष्मी पूजा सभी किस त्योहार के हिस्से के रूप में मनाए जाते हैं? धनतेरस, नरक चतुर्दशी एंड लक्ष्मी पूजा और ऑल सेलिब्रेटेड एज पार्ट ऑफ विच फेस्टिवल? ए दिवाली, बी होली, सी बसंत पंचमी या डी मकर संक्रांति। सर ए दिवाली। ताला लगा दें? हाँ जी सर। ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है, बहुत बहुत बधाई आपको। धनतेरस दिवाली के दिन आपको मालूम होगा आजकल जितने भी लोग हैं सब नई नई चीज़ें खरीदते हैं, खासतौर से बर्तन वगैरह हो, सोना हो, वो खरीदते हैं। महिलाएं इसी दिन का इंतजार करती हैं कि पति देव हमें नहीं है ना, कि आज पति देव दिवाली आ गई, पति देव हमको कुछ सोना खरीद करके देंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर घबराहट नहीं होनी चाहिए आपको आकाश भाई साहब। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या टेक दिग्गज गूगल के एक ऐप का नाम है? विच ऑफ दिस इज द नेम ऑफ एन ऐप बाय टेक जायंट गूगल? ए गूगल क्लर्क, बी गूगल अकाउंटेंट, सी गूगल एडवोकेट, डी गूगल असिस्टेंट। सर ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा सर। शांत हो जा गणेश जी। अच्छा तो बड़ी जल्दी आपने ले लिया, कोई बात नहीं। कमिटी महाशय ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए और जनता आपकी बड़ी जल्दीबाजी आ गई है। वोटिंग मीटर उठाइए और इनकी मदद कीजिए। 15 सेकंड मिलेंगे और वह समय शुरू होता है अब।87% दिया है जनता ने डी को। सहमत हैं आप उनसे? हाँ जी सर। डी लॉक कर। क्या करना चाहेंगे? डी लॉक कर दीजिए। डी को ताला लगा दे। हाँ जी सर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। बोला धन्यवाद दीजिए उनको। इधर भी ऐसे ऐसे हाथ हिला दीजिए। हाँ थैंक यू। हमको लगा था कि आपको इसका उत्तर मालूम हो। सर मैं कंफ्यूज हो गया बी और डी में। अकाउंटेंट ऐसा लगा सुना हुआ है, असिस्टेंट पे ही जा रहा था मन, लेकिन अकाउंटेंट हिसाब किताब करता है बट ऐप गूगल काफी कुछ डेवलप करता रहता है। जी हमको लगा कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम होगा। बहरहाल कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। मूल्य है इसका 5000 रुपये। आकाश भाई साहब बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि आपकी एक लाइफ लाइन चली गई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा और वो है 91 से 100 की गिनती के बीच इनमें से कौन सा अंक आता है? Which of these numbers comes between 91 and 100? A. 89, B. 39, C. 99 या D. 79? सर C 99। C 99 श्योर है? यस सर। लगा दें ताला। हाँ जी सर। 99 C पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। और बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। चौथा प्रश्न का सही उत्तर देके 5000 जीत गए हैं आप। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए। आकाश भाई साहब आपके स्क्रीन के ऊपर वो प्रश्न ये रहा। इस गाने को देखकर फिल्म को पहचानिए। हॉस्टल की जिंदगी में आप कॉलेज वॉलेज बंक करके, हॉस्टल तोड़ ताड़ करके जाते होंगे आप फिल्म वगैरह देखने, तो अब उत्तर दीजिए इसका। आपके सामने ऑप्शन रखता हूँ। ए उड़ता पंजाब, बी शानदार, सी कबीर सिंह, डी डियर जिंदगी। सर ए उड़ता पंजाब। श्योर है? यस सर। ताला लगा दिया जाए। यस सर। उड़ता पंजाब ए, ताला लगाइए कबीर जी। आप बिल्कुल सही है, 10,000 जीत लिया आपने। बहुत सुंदर फिल्म थी ये और इसके लिए जहां तक मेरी जानकारी है कि शाहिद कपूर जी को इसका पुरस्कार भी दिया गया था बेस्ट एक्टर का। बहुत जबरदस्त काम किया था उन्होंने। ओके भाई साहब ऐसा है कि हॉस्टल में रह करके वातावरण बदल जाता होगा। यस सर। है ना, घर में रह करके बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, इतने बजे आ जाना, बाहर मत जाना, इधर ये मत करो वो मत करो। हॉस्टल में अचानक एकदम फ्रीडम मिल जाती है। यस सर। आपको कैसा लगा हॉस्टल आकर के? सर पहले दिन तो बड़ा अजीब लगा, हाँ, बट दूसरे दिन जब लोगों से मिला, दोस्त बने, तो सर हॉस्टल मतलब एक फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकता सर। हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने। और उसके बाद सर जब पहली बार लेट नाइट मूवी देखने गया, वो भी फीलिंग बहुत अच्छी थी। कभी घर पे लेट नाइट मूवी नहीं देखी। अकेले गए थे या अपने साथियों के साथ गए थे? दोस्तों के साथ सर। हाँ जी दोस्तों के साथ सर, हॉस्टल वाले दोस्तों के साथ। कौन से हॉस्टल वाले दोस्तों के साथ? बॉयज हॉस्टल वाले साथ। ओके ऑलराइट। आकाश भाई साहब अब घड़ीमान जी जो 45 सेकंड दे रहे थे वो शांत हो जाएंगे और दूसरे घड़ीमान शुरू हो जाएंगे जो आपको देंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। आगे बढ़ते हैं छठा प्रश्न। 20,000 रुपये इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित पौराणिक पात्रों की इनमें से कौन सी जोड़ी भाई बहन की है? विच ऑफ दीज फॉलोइंग कैरेक्टर्स from the Hindu epics is a pair of brother and sister? A. Vasudev or Devaki, B. Subhadra or Krishna, C. Drupad or Draupadi, or D. Janak or Urmila? Sir B. Subhadra and Krishna. Subhadra and Krishna. Yes sir. Sure hai? Yes sir. Taala laga diya jaye? Yes sir. Subhadra aur Krishna keh rahe hain आकाश भाई साहब बी। इस पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही है, बहुत खूब, 20,000 रुपए जीत गया। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन थी जो वसुदेव की बेटी और अर्जुन की पत्नी थी, जबकि द्रुपद, द्रौपदी व जनक उर्मिला में पिता पुत्री का रिश्ता था। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, आपकी जानकारी जो है वो बहुत अच्छी है। आकाश भाई साहब आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 7वां प्रश्न, इसको खेलिए, 40,000 रुपये मिलेंगे इसके लिए। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारतीय क्रिकेट टीम के कौन से पूर्व कप्तान यहां पर बोल रहे हैं? अभी आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा। विच फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इज स्पीकिंग? ये ऑडियो सुनाइए कंप्यूटर जी। 2000 साल से हम पांचों एक साथ खेले, कोई कैप्टन अकेला कुछ नहीं कर सकता। हम पांचों ने इंडियन क्रिकेट की फेस चेंज कर दी है। जब बाहर जाते थे उससे पहले लोग सोचते थे कि ये हार नहीं आते, बट 2000 साल से ये चेंज हुआ है और तब से अब इंडियन क्रिकेट की परफॉर्मेंस देखिए। इंडिया में हमेशा वो स्ट्रांग थे, बट बाहर जाके देखिए, आप सारे उम्मीद करते कि बाहर जाके वो जीतेंगे। आप देखें 2003 वर्ल्ड कप फाइनल गए, 2020 वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया, हम पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाके हराए। 2003 में इतनी बड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ हम पूरी सीरीज डोमिनेट किए। अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं और वो ऑप्शंस हैं ये। ए मोहम्मद अजरुद्दीन, बी सचिन तेंदुलकर, सी सौरव गांगुली या डी राहुल द्रविड़। सर सी सौरव गांगुली। श्योर है? यस सर, सौरव गांगुली सी कह रहे हैं आकाश भाई साहब। ताला लगाया जाए इस पे। आपने कहीं सुना था इनकी आवाज को? सर सौरव गांगुली का फैन हूं सर। आप फैन हैं उनके? यस सर, उनके फैन है तो उनके आवाज के भी फैन होंगे आप। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई आपको। सौरव गांगुली जी ने 1999 में 2005 तक भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की थी। अपनी कप्तानी के दौरान उन्होंने 2003 में विश्व कप फाइनल में भारत का नेतृत्व किया था। बहुत ही सुंदर खिलाड़ी और कप्तानी भी बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने की। और कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि आजकल जो आधुनिक जो हमारे क्रिकेट टीम की एक जो मनोभावनाएं हैं, उनके अंदर जो मनोबल आया है और जिस तरह से वो अपने आप को प्रकट करते हैं, वो कहीं ना कहीं उसका श्रेय जाता है सौरव गांगुली जी को, क्योंकि ये बहुत खुलेआम, बहुत उनको गर्व होता था। जब जीते तो उन्होंने कमीज उतार करके ऐसा घुमाना शुरू कर दिया था, है कि नहीं? हाँ, दिखाना चाह रहे थे कि छाती पे देखो हमारे कितना बाल है। ओके, आप कितने और कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं आप आकाश जी? स्पोर्ट्स वगैरह? टेबल टेनिस खेला। हाँ, तो देखा हमने। हाँ जी सर, बहुत ही अलग स्टाइल है आपका। ये हाथ आपका इधर ही रहता है और ये हाथ से मार रहे थे वो सर। पहले स्टार्टिंग में प्रैक्टिस हो रहा था, फोरहैंड की प्रैक्टिस कर रहा होता तो काउंटर कर रहे थे। हाँ हाँ, कुछ ऐसी आशाएं हैं आपकी, आप कभी टेबल टेनिस चैंपियन बन जाए भारत के लिए? सर केवल टाइम पास के लिए था सर। बचपन में बहुत खेला है, फिफ्थ से खेलना स्टार्ट किया था, बट सर मेरे होम टाउन में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी उस टाइम ना स्पोर्ट्स की तरफ, और फिर पढ़ाई की तरफ पेरेंट्स ने थोड़ा ज़्यादा फोकस किया कि पढ़ाई की तरफ फोकस करो। और ये हम अपने बार बार बताते रहते हैं सर, हमारे बचपन में वो जो गेंद है ना, पिंग पोंग का गेंद, वो मिलता ही नहीं था सर। हाँ, बड़ी मुश्किल से कहीं से चीन से आता था तो हम लोग कहते थे अरे एक तो मिल गया है, और फिर कभी कभी कहीं गलती से उसके ऊपर पाँव पड़ जाए, हाथ वाथ पिचक जाता था और फिर बड़ी मुसीबत हो जाती थी। तो उसको लेकर के हम लोग गर्म पानी में डालते थे। हाँ सर, तो गेंद सीधा हो जाता था, है ना? लेकिन सर बाउंस खत्म हो जाता है। नहीं नहीं, हाँ हाँ, अरे भाई सीधा हो जाता है, उसे खेलते थे। और हमारे पास बल्ला वल्ला नहीं होता था तो ऐसे लकड़ी काट करके तख्त, जानते हैं क्या होता है? यस सर, तख्त। वो ऐसा घर में तख्त होता था, उसका चादर उधर हटा के उसको टेबल बना देते थे और बीच में एक ऐसा रस्सी ऐसे बांध दिया नेट की तरह और उस पर बट्टे से मार के खेलते थे हम लोग। अभी तो बहुत आधुनिक ज़माना हो गया, देखा हमने आपका टेबल टेनिस, टेबल, बैट, बल्ला। ओके माता जी, प्रणाम करता हूं आपको। हमने कहीं पढ़ा इनके बारे में कि ये अपनी माता जी के बहुत नज़दीक हैं और जो कुछ होता है इनके जीवन में वो आपसे आप संपर्क करके या बता देते हैं आपको। जी सर। देवी जी, ये हॉस्टल के जीवन के बारे में कुछ इन्होंने बताया आपको? नहीं नहीं सर, वहाँ का नहीं बताता कुछ भी। हॉस्टल के बारे में कुछ नहीं बताया? क्यों भाई साहब, क्या बात है ये? सर कुछ बातें नहीं बताई जाती सर। कैसे हो सकता है? आपने कहा कि माता जी को हम सब कुछ बता देते हैं। स्कूल तक बताता था सर, ये स्कूल में बताता था। स्कूल जब तक था तब तक बताता था सब कुछ आके। अब जब से हॉस्टल का, भाई साहब ये तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप सर। आज बता दीजिए क्या है। आज बता दूंगा सर, मतलब पिछले 3 साल का जो भी किया है सब बता दूंगा। तो आज बताने में क्या है, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? अपने घर की बात है, सब लोग यहीं पर हैं और कोई देखने वाला सुनने वाला है नहीं। बात बैठी हुई है पीछे माता जी, उनको बोल दीजिए। अच्छा चलिए ये तो बता दीजिए कौन कौन सी बातें आपने अभी तक नहीं बताई हैं। सर नॉनवेज खाना मम्मी को मेरा बिल्कुल पसंद नहीं है। नॉनवेज? यस सर, मेरा घर पूरा वेज है और मैं अकेला नॉन वेजिटेरियन हूँ। अच्छा। यस सर, वो भी हॉस्टल जाके ही बना सर दोस्तों की वजह से। ठीक है, तो माता जी ने बताया नहीं, जब बताया तो क्या आपका? मैंने कहा मुझे पसंद नहीं है कि आप मरे हुए जानवर को खा रहे हो, इतनी सारी सब्जियां बनी हुई हैं, कुछ भी खा सकते हो, मगर मुझे नॉनवेज खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर मार पड़ी? नहीं मार नहीं पड़ी, पापा ने बचा लिया। ओ अच्छा अच्छा, बचा लिया आपको। यस सर। तो आप नॉनवेज हैं? यस सर। भाई साहब बुरा मत मानिएगा, हमारे दर्शक भी बुरा ना माने, ये नॉनवेज के 2 अर्थ होते हैं। तो जो नॉनवेज दूसरे किस्म का है उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? नहीं सर, साइलेंस सर। माता जी बोलिए ना इनको बताने के लिए। सर वो उसकी इच्छा है, वो इसकी इच्छा है जी, मेरी तरफ से पूरी फ्रीडम है, इसको इच्छा के अनुसार ही होता है ये सब। देवी जी मैं क्या बताऊं आपको, चलिए छोड़िए कोई बात नहीं। आकाश भाई साहब आगे बढ़ते हैं खेल में। 8वां प्रश्न आ रहा है और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। बाकी सब बातें भूल जाइए, 8वें प्रश्न का उत्तर दीजिए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस लेखक को पहचानिए जिन्हें पौराणिक कथाओं के लेखन के लिए जाना जाता है। एक आपको हम अभी वीडियो दिखाएंगे। आइडेंटिफाई दिस ऑथर नोन फॉर हिज वर्क इन माइथोलॉजी और मिथोलॉजी। वीडियो दिखाइए कंप्यूटर जी। ये एक दौर था भारत में जब जो पोएट्स थे, जैसे ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में थे, अच्युतानंद जी उड़ीसा में थे, सारला दास जी थे, वो लोक भाषा में वेद ज्ञान प्रेजेंट कर रहे थे। तो ये बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन था उस समय। 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी की जो वेद का ज्ञान है, क्योंकि ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं ये केवल संस्कृत में होना चाहिए, इन्होंने कहा कि नहीं हम लोक भाषा में इसे प्रस्तुत करेंगे। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए आनंद नीलकांतन, बी देवदत्त पटनायक, सी शरत कुमाराजू, डी अश्विन सांगी। सर बी देवदत्त पटनायक। श्योर हैं? यस सर। सुना है, देखा है, पढ़ा है इनके बारे में? कॉन्फिडेंट हैं आप? यस सर। लगा दे ताला? यस सर। देवदत्त पटनायक बी कह रहे हैं आकाश भाई साहब, इसे ताला लगाया जाए। कहाँ पढ़ा था आपने इनको, कहाँ जानकारी थी आपको इनके बारे में? सर कहीं इधर उधर, केबीसी की तैयारी कर रहा था, पढ़ा। अच्छा केबीसी की तैयारी के समय सर। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। मुश्किल था लेकिन बहुत सुंदर उत्तर दिया। देवदत्त पटनायक को प्राचीन भारतीय शास्त्रों, कथाओं, प्रतीकों और अनुष्ठानों की, पौराणिक कथाओं और व्याख्याओं में उनके काम के लिए जाना जाता है। इनकी बुक्स हैं जया एन इलस्ट्रेटेड रीटेलिंग ऑफ द महाभारत, सीता एन इलस्ट्रेटेड रीटेलिंग ऑफ द रामायण इत्यादि। बड़ा मुश्किल प्रश्न था ये सर, अब याद आया कहाँ पढ़ा है। हाँ कहाँ? इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल था सर इनका, पुराण से रिलेटेड। अच्छा वहाँ आपने देखा था? यस सर, पुरानी हिस्ट्री से रिलेटेड। लेकिन उनकी छवि शायद आपने पहली दफे देखी? गूगल कर लेते सर। हाँ गूगल करके देख लिया था। ओहो, गूगल महाराज जो है बहुत ही विकसित है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अरे भाई साहब मान्यवर, आज का समय यही समाप्त हो गया है। जो एक्सपर्ट है राहुल देव जी, उनसे हम विदाई लेंगे। राहुल देव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सबकी ओर से अभिनंदन तालियों के साथ राहुल देव। तो देवियों सज्जनों हमारा आज का समय यहीं समाप्त होता है। देवियों सज्जनों आज पुलिस स्मृति दिवस यानी पुलिस कमेमोरेशन डे है। ये वो दिन है जिसे हम अपने पुलिस जवानों की याद में, उनकी स्मृति में मनाते हैं। पुलिस फोर्स में काम करने वाले वो कर्मठ सिपाही जिन्होंने अपने फर्ज की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे दी। आज जब सारा देश अपनों के साथ त्यौहार मना रहा है, तो वही कर्मठ पुलिस सिपाही ड्यूटी पर तैनात त्योहार के दिन अपनों से दूर अपना फर्ज निभा रहा है, और वो इसलिए ताकि हम त्यौहार की खुशियों में अपने परिवार के साथ शामिल हो सकें। हम अपने भारतीय पुलिस बल और उनके समर्पण के आगे शीश झुकाते हैं और सम्मान सहित अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ देवियों सज्जनों, हमें आज्ञा दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, और मुलाकात होगी आकाश वाजपेयी साहब से। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। धन्यवाद आपका। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।